सूर अलकफ शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 75 कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू मेरे साथ सबर नहीं कर सकेगा। 76 कहा, अगर आज के बाद में आपसे किसी चीज का सवाल करूं तो मुझे साथ न रखिए, आप मेरी तरफ से माजूरी तक पहुंच जाएंगे। 70 फिर बदनो चले यहाँ तक कि जब एक गांव वालों पर गुजरे तवान से खाना मांगा, उन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने वहाँ एक दीवार पाई जो गिरने ही वाली थी, तब इसे सीधा कर दिया। कहा, अगर आप चाहते तो उस काम पर कोई अजरत ही ले लेते। 78 कहा, अब मेरे और तेरे दरमियान जिदाई है, अब मैं तुझे उन बातों का राज बताता हूँ जिन पर तो सबर न कर सका। 79 जो कुश्ती थी सो वो मोहताज लोगों की थी जो दरिया में मजदूरी करते थे। फिर मैंने उसमें ऐब कर देना चाहा और उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक कुश्ती को जबरदस्ती पकड़ रहा था। इसी और रहा लड़का, सो उसके माँ बाप ईमानदार थे, सो हम डरे कि उन्हें भी सरखुशी और किफर में मुबतला न करे। 81 फिर हमने चाहा कि उनका रब उसके बदला में उन्हें ऐसी औलाद दे जो पाकिजगी में उससे बेहतर और मोहब्बत में उससे बढ़कर हो। 82 और जो दीवार थी सो वो उस शहर के दो यतीम बच्चों की थी और उसके नीचे उनका खजाना था और उनका बाप नेक आदमी था। बस तेरे रब ने चाहा कि वो जवान होकर अपना खजाना तेरे रब की मेहरबानी से निकालें, और ये काम मैंने अपने इरादे से नहीं किया, ये हकीकत है उसकी जिस पर तो सबर नहीं कर सका। 83 और आपसे जुल्फरनैन का हाल पूछते हैं, कर दो कि अब मैं तमही उसका हाल सुनाता हूँ। 84 हमने इसे जमीन में हुक्मरानी दी थी और इसे हर तरह का साजो सामान दिया था। 85 तो उसने एक साज वो सामान तार किया। 86 यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुंचा तो इसे एक गर्म चश्मे में डूबता हवा पाया और वहाँ एक कुम भी पाई। हमने कहा, जुल्फरनैन या उन्हें सजा दे और या उनसे नेक सलूक कर। 87 कहा, जो उनमें जालम है इसे तो हम सजा ही देंगे, फिर वो अपने रब के यहाँ लौटाया जाएगा, फिर वो इसे और भी सख्त सजा देगा। 88 और जो कोई ईमान लाएगा और नेकी करेगा तो इसे नेक बदला मिलेगा और हम भी अपने मामले में इसे आसान ही हुक्म देंगे। 89 फिर उसने एक साज वो सामान तैयार किया। 90 यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुंचा तो उसने सूरज को एक ऐसी कोम पर निकलते हुए पाया कि जिसके लिए हमने सूरज के अधर कोई आड़ नहीं रखी थी। 91 इसी तरह ही है और उसके हाल की पूरी खबर हमारे ही पास है। 92 फिर उसने एक साज वो सामान तैयार किया। 93 यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा, उन दोनों से उस तरफ एक ऐसी कोम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। 94 उन्होंने कहा कि ऐ जुल्फरनैन, बेशक याजूज माजूज उस मुल्क में फसाद करने वाले हैं, फिर क्या हम आपके लिए कुछ महसूल मकर कर दें उस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। 95 कहा, जो मेरे रब ने कुदरत दी है काफी है, सो ताकत से मेरी मदद करो कि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूं। 96 मुझे लोहे के तख्ते ला दो। यहाँ तक कि जब दोनों सरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा कि धुन को, यहाँ तक कि जब इसे आग कर दिया तो कहा कि तुम मेरे पास तांबा लाओ ताकि उस पर डाल दो। 97 फिर वो न उस पर चढ़ सकते थे और न उसमें नकब लगा सकते थे। 98 कहा, ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वद्दा आएगा तो इसे रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वद्दा सचा है। 99 और हम छोड़ देंगे बाज उनके, उस दिन बाज में घसीगे और सुर में फोन का जाएगा, फिर हम उन सब को जमा करेंगे। 100 और हम दोस्त को उस दिन काफरों के सामने पेश करेंगे। 101 जिनकी आंखों पर हमारी याद से पर्दा पड़ा हुआ था और वो सुन भी न सकते थे। 102 फिर काफर क्या ख्याल करते हैं कि मेरे सवा मेरे बंधु को अपना कारसाज बना लेंगे, बेशक हमने काफरों के लिए दोस्त को मेहमानी बनाया है। 103 कर दो, क्या मैं तमही बताऊं जो ईमाल के लिहाज से बिल्कुल खसारे में है। 104 वो जिनकी सारी कोशिश दुनिया की जिंदगी में खोई गई और वो ख्याल करते हैं कि बेशक वो अच्छे काम कर रहे हैं। 105 ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने रब की निशानियों का और उसके रूबरू जाने का इनकार किया है, फिर उनके सारे ईमाल जाया हो गए, सो हम उनके लिए क्यामत के दिन कोई वजन कायम नहीं करेंगे। 106 ये सजा अनून की जहन्म है, असलिए कि उन्होंने किफर किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मजाक बनाया था। 107
बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उनकी मेहमानी के लिए फरदोस के बाग होंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उनकी मेहमानी के लिए फरदोस के बाग होंगे। 108 उनमें हमेशा रहेंगे, वहां से जगह बदलनी न चाहेंगे। 109 कर दो अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए तो मेरे रब की बातें खत्म होने से पहले समंदर खत्म हो जाए, और अगर चाह उसकी मदद के लिए हम ऐसा ही और समंदर लाएं। 110 कर दो कि मैं भी तुम्हारे जैसा आदमी ही हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा मौबूद एक ही मौबूद है। फिर जो कोई अपने रब से मिलने की उम्मीद रखे तो इसे चाहिए कि अच्छे काम करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न बनाए। सूर मरियम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1:2 ये तेरे रब की मेहरबानी का जिक्र है जो उसके बंदे ज़िक्रिया पर हुई। 3 जब उसने अपने रब को खफिया आवाज से पकारा। 4 कहा मेरे रब मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर में बढ़ापा चमकने लगा है, और मेरे रब तज से मांग कर मैं कभी महरूम नहीं हवा। 5 और बेशक मैं अपने बाद अपने रिश्तेदारों से डरता हूँ और मेरी बीवी बांझ है। पस तो अपने हाथ से एक वार सता कर। 6 जो मेरा और याकूब के खानदान का भी वारस हो और मेरे रब इसे पसंदीदा बना। 7 ऐ ज़िक्रिया बेशक हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहिया होगा, उससे पहले हमने उस नाम का कोई पैदा नहीं किया। 8 कहा मेरे रब मेरे लिए लड़का कहाँ से होगा, हालांकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बढ़ापे में इंतहाई दर्जा को पहुँच गया हूँ। 9 कहा ऐसा ही होगा, तेरे रब ने कहा है वो मुझ पर आसान है और मैंने तुझे उससे पहले पैदा किया, हालांकि तो कोई चीज ना था। 10 कहा है मेरे रब मेरे लिए कोई निशानी मकर कर, कहा तेरी निशानी ये है कि तब 3 रात तक मुसलसिल लोगों से बात नहीं कर सकेगा। 11 फिर हुजरा से नकुल कर अपनी कौम के पास आए और उन्हें इशारा से कहा कि तुम सुबह हो शाम खुदा की तस्बीह किया करो। 12 ए यहिया किताब को मजबूती से पकड़ और हमने इसे बचपन ही में हिकमत अता की। 13 और इसे अपने हाथ से रहम दिली और पाकीजगी इनायत की और वो परहेजगार था। 14 और अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाला और सरकिश नाफरमान न था। 15 और उस पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन मरेगा और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाएगा। 16 और उस किताब में मरियम का जिक्र कर जबकि वो अपने लोगों से अलीहदा होकर मशरकी मकाम में जा बैठी। 17 फिर लोगों के सामने से पर्दा डाल लिया, फिर हमने उसके पास अपने फरिश्ते को भेजा, फिर वो उसके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हवा। 18 कहा बेशक मैं तज से अल्लाह की पना मांगती हूँ अगर तू तो परहेजगार है। 19 कहा मैं तो बस तेरे रब का भेजा हवा हूँ ताकि तुझे पाकीजा लड़का दूं। 20 कहा मेरे लिए लड़का कहाँ से होगा, हालांकि मुझे किसी आदमी ने हाथ नहीं लगाया और न मैं बेकार हूँ। 21 कहा ऐसा ही होगा, तेरे रब ने कहा है वो मुझ पर आसान है और ताकि हम इसे लोगों के लिए निशानी और अपनी तरफ से रहमत बनाएं, और ये बात तय हो चुकी है। 22 फिर उस बच्चा के साथ हामिला हुई, फिर इसे लेकर किसी दूर जगह में चली गई। 23 फिर इसे दर्द जाए खजूर की जड़ में ले आया, कहा है अफसोस में उससे पहले मर गई होती और मैं भूली भुलाई होती। 24 फिर इसे उसके नीचे से पकारा कि हम न कर तेरे रब ने तेरे नीचे से एक चश्मा पैदा कर दिया। 25 औरतों खजूर के तना को पकड़कर अपनी तरफ हिला, तज पर पकी ताजा खजूरें गिरेंगी। 26 सूखा और पी और आंख ठंडी कर, फिर अगर तो कोई आदमी देखे तो कह दे कि मैंने रहमान के लिए रोजा की नजर मानी है, सो आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। 27 फिर वो इसे कौम के पास इकट्ठा कर लाई, उन्होंने कहा ए मरियम अलबत्ता तो ने अजीब बात कर दिखाई। 28 ए हारून की बहन न तो तेरा बाप ही बुरा आदमी था और न ही तेरी माँ बदकार थी। 29 तब उसने लड़के की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा हम पंगोड़े वाले बच्चे से कैसे बात करें। 30 कहा बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे इसने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। 31 और मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ कहीं हूँ, और मुझे को नमाज और जकवा की वसीयत की है जब तक मैं जिंदा हूँ। 32 और अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला और मुझे सरकिश बदबूत नहीं बनाया। 33 और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा। 34 ये ईसा मरियम का बेटा है, सच्ची बात जिसमें वो झगड़ रहे हैं। 35
अल्लाह की शान नहीं कि वो किसी को बेटा बनाए, वो पाक है। जब किसी काम का फैसला करता है तो वो सिर्फ इसे किन कहता है, फिर वो हो जाता है। 36 और बेशक अल्लाह ताला मेरा और तुम्हारा रब है, स्वासी की इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। 37 फिर जमातें आपस में मुख्तलिफ हो गई, सो काफरों के लिए एक बड़े दिन के आने से खराबी है। 38 क्या खूब सनते और देखते होंगे जिस दिन हमारे पास आएंगे, लेकिन जालिम आज सिरी गमराही में है। 39 और उन्हें हसरत के दिन से डरा जिस दिन सारे मुआमला का फैसला होगा और वो गफलत में है और ईमान नहीं लाते। 40 बेशक हम ही जमीन के वारस होंगे और उनके भी जो उस पर हैं और हमारी तरफ लौटाए जाएंगे। 41 और किताब में इब्राहिम का जिक्र, बेशक वो सच्चा नबी था। 42 जब अपने बाप से कहा, है मेरे बाप तो क्यों पूजता है ऐसे को जो न सुनता है और न देखता है और न तेरे कुछ काम आ सके। 43 ए मेरे बाप, बेशक मुझे वो इल्म हासिल हवा है जो तुम्हें हासिल नहीं, तो आप मेरी ताबादारी करें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। 44 ए मेरे बाप, शीतान की इबादत न कर, बेशक शीतान अल्लाह का नाफरमान है। 45 ए मेरे बाप, बेशक मुझे खौफ है कि तुम पर अल्लाह का आजाब आए, फिर शीतान के साथ ही हो जाओ। 46 कहा, ए इब्राहिम क्या तो मेरे मौबूदों से फरा हवा है, अलबत्ता अगर तो बाज ना आया मैं तुझे संसार कर दूंगा और मुझसे एक मदद तक दूर हो जा। 47 कहा, तेरी सलामती रहे, अब मैं अपने रब से तेरी बख्शिश की दा करूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। 48 और मैं तुम्हें छोड़ता हूँ और जिन्हें तुम अल्लाह के सवा पकारते हो और मैं अपने रब ही को पकारूंगा, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पकार कर महरूम न रहूंगा। 49 फिर जब उनसे अलीहदा हवा और उस चीज से जिन्हें वो अल्लाह के सवा पूछते थे, हमने इसे इसहाक और याकूब बता किया और हमने हर एक को नबी बनाया। 50 और हमने उन सबको अपनी रहमत से हिस्सा दिया और हमने उनका नेक नाम बुलंद किया। 51 और किताब में मूसा का जिक्र कर, बेशक वो खास बंदे और भेजे हुए पैगंबर थे। 52 और हमने इसे कुर्त और के दाएं तरफ से पकारा और इसे राज की बात कहने के लिए करीब बुलाया। 53 और हमने इसे अपनी रहमत से उनके भाई हारून को नबी बनाकर अता किया। 54 और किताब में इस्माइल का भी जिक्र कर, बेशक वो वद्दा का सच्चा और भेजा हुआ पैगंबर था। 55 और अपने घर वालों को नमाज और ज़क़वा का हुक्म करता था और वो अपने रब के यहाँ पसंदीदा था। 56 और किताब में अदरीस का जिक्र कर, बेशक वो सच्चा नबी था। 57 और हमने इसे बुलंद मर्तबा पर पहुँचाया। 58 ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अनाम किया पैगंबरों में और आदम की औलाद में से और उनमें से जिन्हें हमने नवा के साथ सवार किया था और इब्राहिम और इसराइल की औलाद में से और उनमें से जिन्हें हमने हदायत की और पसंद किया। जब उन पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो रोते हुए सजदे में गिरते हैं। 61 फिर उनकी जगह ऐसे नाखलिफ आए जनाओं ने नमाज जाया की और ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए, फिर इनफरी गमराही की सजा पाएंगे। 60 मगर जिसने तोबा की और ईमान लाया और नेक काम किए सो वो लोग बाश्त में दाखिल होंगे और उनका जरा नुकसान न किया जाएगा। 61 हमेशगी के बाहों में जिनका रहमान ने अपने बंधु से वद्दा किया है जो उनकी आंखों से पोशीदा है, बेशक उसका वद्दा पूरा होने वाला है। 62 उसमें स्वाय सलाम के कोई फजूल बात न सुनीगे और उन्हें वहां सुबह व शाम खाना मिलेगा। 63 ये वो जन्नत है कि हम अपने बंधु में से उसको वारस बनाएंगे जो परहेजगार होगा। 64 ओ राम तेरे रब के हुक्म के सवा नहीं उतरते, इसी का है जो कुछ हमारे सामने है और जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ उसके दरमियान है, और तेरा रब भूलने वाला नहीं। 65 आसमानों और जमीन का रब है और जो चीज उनके दरमियान है, सो इसी की इबादत करो, इसी की इबादत पर कायम रह, क्या तेरे इल्म में असर जैसा कोई और है। 66 और इंसान कहता है, जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा। 67 क्या इंसान को याद नहीं है कि उससे पहले हमने इसे बनाया था और वो कोई चीज भी न था। 68 सो तेरे रब की किस्म है, हम उन्हें और उनके शीतानों को जरूर जमा करेंगे, फिर हम उन्हें घुटनों पर गड़े हुए दोस्त के गिर्द हाजिर करेंगे। 69 फिर हर गरबा में से उन लोगों को अलग कर लेंगे जो अल्लाह से बहुत ही सरकश थे। 70 फिर हम उन लोगों को खूब जानते हैं जो दोस्त में जाने के ज्यादा मस्तहक हैं। 71 और तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका उस पर गुजर न हो, ये तेरे रब पर लाजम माफ़र किया हवा है। 72 फिर हम उन्हें बचा लेंगे जो डरते हैं और जालमों को उसमें घुटनों पर गड़े हुए छोड़ देंगे। 73
और जब उन्हें हमारी खली हुई आयतें सुनाई जाती हैं तो काफिर ईमानदारों से कहते हैं, दोनों फरीकों में से किसका मर्तबा बेहतर है और मुफ़्ल किसकी अच्छी है चोहतर। और हम उनसे पहले कितनी जमातें हलाक कर चुके हैं, वो सामान और नमूद में बेहतर थे 75। कर दो जो शख्स गमराही में पड़ा हुआ है सो अल्लाह भी इसे ढील देता है, यहाँ तक कि जब उस चीज को देखेंगे जिसका उन्हें वादा दिया गया था, या आजाब या कयामत, तब मालूम कर लेंगे मर्तबे में कौन बुरा है और लश्कर किस का कमजोर है 76। और जो लोग हदायत पर हैं अल्लाह उन्हें ज्यादा हदायत देता है, और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक सवाब और अंजाम के लिहाज से बहुत ही बेहतर हैं 70। क्या तूने उस शख्स को देखा जिसने हमारी आयतों का इनकार किया और कहता है कि मुझे जरूर माल और औलाद मिलेगी 78। क्या उसने गैब पर अतला पाई है या उसने अल्लाह से अकरार ले रखा है 79। हरगिज़ नहीं, हम लिख लेते हैं जो कुछ वो कहता है और उसके लिए आजाब बढ़ाते जाते हैं इसी, और हम उसके वारिस होंगे जो कुछ वो कहता है, और हमारे यहाँ तन्हा आएगा 81। और उन्होंने अल्लाह के सवा मबूद बना लिए हैं ताकि वो उनके मददगार हों 82। हरगिज़ नहीं, वो जल्द ही उनकी इबादत का इनकार करेंगे और उनके मुखालफ हो जाएंगे 83। क्या तूने नहीं देखा हमने शैतानों को काफरों पर छोड़ रखा है, वो उन्हें अभारते रहते हैं 84। सो तो उनके लिए आजाब की जल्दी न कर, हम खुद उनके दिन गुन रहे हैं 85। जिस दिन हम परहेजगारों के रहमान के पास मेहमान बनाकर जमा करेंगे 86। और गिनाहगारों को दोस्त की तरफ प्यासा हांकेंगे 87। किसी को सिफारिश का अख्तियार नहीं होगा मगर जिसने रहमान के हाथ से इजाजत ली हो 88। और कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया 89। अलबत्ता तहकीक तुम सख्त बात जुबान पर लाए हो 90 कि जिससे अभी आसमान पट जाए और जमीन चर जाए और पहाड़ टिकड़े होकर गिर पड़े 91। उस लिए कि उन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया 92। और रहमान की ये शान नहीं कि किसी को बेटा बनाए 93। जो कुछ आसमानों और जमीन में है उनमें से ऐसा कोई नहीं जो रहमान का बंदा बन कर न आए 94। अलबत्ता तहकीक उसने उन्हें शुमार कर रखा है और उनकी गिनती गुन रखी है 95। और हर एक उनमें से उसके हाँ अकेला आएगा 96। बेशक जो ईमान लाए और नेक काम किए इनफरी ब्रह्मान उनके लिए मोहब्बत पैदा करेगा। लाशपा जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए अल्लाह ताला उनके लिए मोहब्बत पैदा करिएगा 97। सो हमने फरमान को तेरी जुबान में उस लिए आसान किया है कि तू उससे परहेजगारों को खुशखबरी सुना दे और झगड़ने वालों को डरा दे 98। और हम उनसे पहले कई जमातें हलाक कर चुके हैं, क्या तो किसी की उनमें से आहट पाता है या उनकी भंग सुनता है 97। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है 1। तादो हमने तुम पर कुरान उस लिए नाजल नहीं किया कि तुम तकलीफ उठाओ 3 बल्कि उस शख्स के लिए नसीहत है जो डरता है 4 उसकी तरफ से नाजल हवा है जिसने जमीन और बुलंद आसमानों को पैदा किया 5 रहमान जो अर्श पर जलवागर है 6 इसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ गीली जमीन के नीचे है 7 और अगर तो पकार कर बात कहे तो वो पोशीदा और उससे भी ज्यादा पोशीदा को जानता है 8 अल्लाह है जिसके सवा कोई मबूद नहीं, उसके सब नाम अच्छे हैं 9 और क्या तुझे मूसा की बात पहुंची है 10 जब उसने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा कि ठहरो मैंने आग देखी है, शायद कि मैं उससे तुम्हारे पास कोई चिंगारी लाऊं या वहां कोई रहबर पाऊं 11 फिर जब वो उसके पास आए तो आवाज आई कि ए मूसा 12 मैं तुम्हारा रब हूँ सो तुम अपनी जूतियाँ उतार दो, बेशक तुम पाक वादी तुआ में होते रह और मैंने तुझे पसंद किया है जो कुछ वही की जा रही है इसे सुन लो 14 बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सवा कोई मबूद नहीं, बस मेरी ही बंदगी करो और मेरी ही याद के लिए नमाज पढ़ा कर 15 बेशक कयामत आने वाली है, मैं इसे पोशीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को उसके किए का बदला मिल जाए 16 सो तुम्हें क़यामत से ऐसा शख्स बाज न रखने पाए जो उस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिशों पर चलता है, फिर तुम तबाह हो जाओ 17 और ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है 18 कहा ये मेरी लाठी है, असब पर टेक लगाता हूँ और उससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और उसमें मेरे लिए और भी फायदे हैं 19 फरमाया ए मूसा इसे डाल दो 20 फिर इसे डाल दिया तो इसी वक्त वो दौड़ता हवा सांप हो गया 21 फरमाया इसे पकड़ ले और न डर, हम अभी इसे पहली हालत पर फेर देंगे 22
और अपना हाथ अपनी बहू से मिला दे बुलाई, सफेद होकर निकलेगा, ये दूसरी निशानी है 23, ताकि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियों में से बाज दिखाई 24, फरौन के पास जा बेशक वो सरकश हो गया है 25, कहा है मेरे रब मेरा सेना खोल दे 26, और मेरा काम आसान कर 27, और मेरी जुबान से गरा खोल दे 28, कि मेरी बात समझ ले 29, और मेरे लिए मेरे कंबे में से एक मावन बना दे 30, हारून को जो मेरा भाई है 31, असद से मेरी कमर मजबूत कर दे 32, और इसे मेरे काम में शरीक कर दे 33, ताकि हम तेरी पाक जात का बहुत बयान करें 34, और तुझे बहुत याद करें 35, बेशक तो हमें खूब देखता है 36, फरमाया ए मूसा तेरी दरख्वास्त मंजूर है 37, और अलबत्ता तहकीक हमने तज पर एक दफा और भी एहसान किया है 38, जब हमने तेरी माँ के दिल में बात डाल दी थी 39, कि इसे संदूक में डाल दे, फिर इसे दरिया में डाल दे, पर इसे दरिया किनारे पर डाल देगा, इसे मेरा दुश्मन और उसका दुश्मन अट्ठा लेगा, और मैंने तज पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी, और ताकि तू मेरे सामने परवरिश पाए 40, जब तेरी बहन कहती जा रही थी क्या तुम्हें ऐसी औरत बताऊं जो इसे अच्छी तरह पाले, फिर हमने तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा दिया कि उसकी आंख ठंडी हो और हम न खाए, और तूने एक शख्स को मार डाला, फिर हमने तुझे उस गम से निकाला, और हमने तुझे कई मर्तबा आजमाइश में डाला, फिर तो मदीन वालों में कई बरस रहा, फिर तो ए मूसा तकदीर से यहाँ आया 41, और मैंने तुझे खास अपने वास्ते बनाया 42, तो और तेरा भाई मेरी निशानियां लेकर जाओ और मेरी याद में कोताही न करो 43, फरौन के पास जाओ बेशक वो सरकश हो गया है 44, सो उससे नरमी से बात करो शायद वो नसीहत हासिल करे या डर जाए 45, कहा है हमारे रब हमें डर है कि वो हम पर ज्यादती करे या ये कि ज्यादा सरकुशी करे 46, फरमाया डरो मत मैं तुम्हारे साथ संता और देखता हूँ 47, सो तुम दोनों उसके पास जाओ और कहो कि बेशक हम तेरे रब की तरफ से पैगाम लेकर आए हैं कि बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे और उन्हें तकलीफ न दे, हम तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और सलामती उसके लिए है जो सीधी राह पर चले 48, बेशक हमें वही से बताया गया है कि आजाब इसी पर होगा जो झटलाए और मुंह फिर ले 49, कहा ए मूसा फिर तुम्हारा रब कौन है 50, कहा हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी सूरत अता की फिर राह दिखाई 51, कहा फिर पहली जमातों का क्या हाल है 52, कहा उनका इल्म मेरे रब के हाँ किताब में है, मेरा रब न गलती करता है और न भूलता है 53, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बचुना बनाया और तुम्हारे लिए उसमें रस्ते बनाए और आसमान से पानी नाजल किया फिर हमने उसमें तरह तरह की मुख्तलिफ सब्जियां निकाली 54, खाओ और अपने मवेशियों को चराओ बेशक उसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं 55, इसी जमीन से हमने तुम्हें बनाया और इसी में लौटाएंगे और दोबारा इसी से निकालेंगे 56, ओराम ने फरौन को अपनी सब निशानियां दिखा दी फिर उसने झटलाया और अनकार किया 57, कहा ए मूसा क्या तो हमें अपने जादू से हमारे मुल्क से निकालने के लिए आया है 58, सो हम भी तेरे मुकाबले में एक ऐसा ही जादू लाएंगे सो हमारे और आपने दरमियान एक वद्दा मकर कर देना, हम उसके खिलाफ करें और ना तो किसी साफ मैदान में 61, कहा तुम्हारा वद्दा जुशन का दिन है और दिन चढ़े लोग इकट्ठे किए जाएं 60, फिर फरौन लौट गया और अपने मुकर का सामान जमा किया फिर आया 61, मूसा ने कहा अफसोस तुम अल्लाह पर भूतान न बांधो वरना वो किसी आजाब से तुम्हें हलाक कर देगा और बेशक जिसने झूठ बनाया वो हारत हवा 62, फिर उनका आपस में अख्तिलाफ हो गया और खफिया गुफ्तगू करते रहे 63, कहा बेशक ये दोनों जादूगर हैं, चाहते हैं कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दें और तुम्हारे इमदा तरीका को मौकूफ कर दें 64, फिर तुम अपनी तदबीर जमा करके सिर्फ बांध कर आओ और तहकीक आज जीत गए जो गालिब रहा 65, कहा ए मूसा या तो डालो रिया हम पहले डालने वाले हूँ 66, कहा बल्कि तुम डालो पर सचन को उनकी रसियां और लाठियां उनके जादू से उसके ख्याल में दौड़ रही हैं 67, फिर मूसा ने अपने दिल में डर महसूस किया 68, हमने कहा डरो मत बेशक तो ही गालिब होगा 69, और जो तेरे दाएं हाथ में है डाल दे कि नगल जाए जो कुछ उन्होंने बनाया है, जो कुछ की उन्होंने बनाया है सिर्फ जादूगर का फ्रीब है और जादूगर का भला नहीं होता जहां भी हो 70,
फिर जादूगर सजदा में गिर पड़े, कहा हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। कातर कहा तुम मेरी इजाजत से पहले ही उस पर ईमान ले आए, बेशक ये तुम्हारा सरदार है जिसने तुम्हें जादू सिखाया, सो अब मैं तुम्हारे हाथ और दूसरी तरफ के पांव कटवाऊंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सोली दूंगा और तुम्हें मालूम हो जाएगा हम में से किसका आजाब सख्त और देर तक रहने वाला है बेहतर। कहा हम तुझे हरगिज़ तरजीह न देंगे उन खली हुई निशानियों के मुकाबला में जो हमारे पास आ चुकी हैं, और ना उसके मुकाबला में जिसने हमें पैदा किया है, सो तो कर गुजर जो तुझे करना है, तो सिर्फ उस दुनिया की जिंदगी पर हुक्म चला सकता है। 73 बेशक हम अपने रब पर ईमान लाए हैं ताकि हमारे गिना मुआफ करे, और जो तूने हमसे जबरदस्ती जादू कराया, और अल्लाह बेहतर और सदा बाकी रहने वाला है। 74 बेशक जो शख्स अपने रब के पास मुजरम होकर आएगा, स्वास के लिए दोस्त है जिसमें न मरेगा और न जाएगा। 75 और जो उसके पास मोमन होकर आएगा, हालांकि उसने अच्छे काम भी किए हों, तो उनके लिए बुलंद मरतबे होंगे। 76 हमेशा रहने के बाद जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे, और ये उसकी जजा है जो गिना से पाक हवा। 70 और हमने अलबत्ता मूसा को वही कि मेरे बंदू को रातों रात ले जा, फिर उनके लिए दरिया में खुश्क रास्ता बना दे, पकड़े जाने से न डर और न किसी खतरा का खौफ खा। 73 फिर फरौन ने अपने लश्कर को लेकर उनका पीछा किया, फिर उन्हें दरिया ने ढांक लिया जैसा ढांपा। 79 और फरौन ने अपनी कौम को बहुकाया और राह पर न लाया। इसी ए बनी इसराइल, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से नजात दी, और तुमसे तौर की दाएं तरफ का वादा किया, और तुम पर मन वो सलवा उतारा। 81 खाओ जो सिथरी चीजें हमने तुम्हें दी हैं, और उसमें हद से न गुजरो, फिर तुम पर मेरा गजब नाजल होगा, और जिस पर मेरा गजब नाजल हवा सो वो गड़े में जागरा। 82 और बेशक मैं बड़ा बख्शने वाला हूँ उसको जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छे काम करे, फिर हदायत पर कायम रहे। 83 और ए मूसा, तुझे अपनी कौम से पहले जल्दी आने का क्या सबब हवा। 84 कहा वो भी मेरे पीछे ये आ रहे हैं, और ए मेरे रब में जल्दी तेरे तरफ आया ताकि तू खुश हो। 85 फरमाया तेरी कौम को तेरे बाद हमने आजमाइश में डाल दिया है, और उन्हें सामरी ने गमराह कर दिया है। 86 फिर मूसा अपनी कौम की तरफ गसा में भरे हुए अफसोस करते हुए लौटे, कहा ए मेरी कौम, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था? फिर क्या तुम पर बहुत जमाना गुजर गया था, या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का गसा नाजल हो, तब तुमने मुझसे वादा खिलाफी की? 87 कहा हमने अपने अख्तियार से आपसे वादा खिलाफी नहीं की, लेकिन हमसे उस कौम के जियूर का बोझ अटवाया गया था, सो हमने इसे डाल दिया, फिर इसी तरह सामरी ने डाल दिया। 88 फिर उनके लिए एक बछड़ा निकाल लाया, एक जिस्म जिसमें गाय की आवाज थी, फिर कहा ये तुम्हारा और मूसा का मबूद है, सो वो भूल गया है। 89 क्या बस वो नहीं देखते कि वो उन्हें किस बात का जवाब नहीं देता, और उनके नुकसान और नफा का भी इसे अख्तियार नहीं। 90 और उन्हें हारून ने उससे पहले कह दिया था, ये मेरी कौम उससे तुम्हारी आजमाइश की गई है, और बेशक तुम्हारा रब रहमान है, सो मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो। 91 कहा हम बराबर इसी पर जमे बैठे रहेंगे यहाँ तक कि मूसा हमारे पास लौट कर आए। 92 कहा ए हारून, तुम्हें किस चीज ने रोका जब तुमने देखा था कि वो गमराह हो गए हैं? 93 तो मेरे पीछे न आया क्या तूने भी मेरी हुक्म दुली की? 94 कहा ए मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी और सर न पकड़, बेशक में डरा उससे कि तो कहेगा तूने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरे फैसला का इंतजार न किया। 95 कहा ए सामरी, तेरा क्या मामला है? 96 कहा मैंने वो चीज देखी थी जो दूसरों ने न देखी, फिर मैंने रसूल के नक्श कदम की एक मठी मिट्टी में लेकर डाल दी, और मेरे दिल ने मुझे ऐसी ही बात सुझाई। 97 कहा बस चला जा, तेरे लिए जिंदगी में ये सजा है कि तोखेगा हाथ न लगाना, और तेरे लिए एक वद्दा है जो तज से टलने वाला नहीं, और तो अपने मबूद को देख जिस पर तो जमा बैठा था, हम इसे जरूर जला देंगे, फिर इसे दरिया में बखेर कर बहा देंगे। 98 तुम्हारा मबूद ही अल्लाह है जिसके सवा कोई मबूद नहीं, उसके इल्म में सब चीज समा गई है। 99 हम इसी तरह से तुझे गुज़िश्ता लोगों की कुछ खबरें सुनाते हैं, और हमने तुझे अपने यहाँ से एक नसीहत नामा दिया है, 100 जिसने उससे मुंह फेरा सो वो कयामत के दिन बोझ उठाएगा। 101 उसमें हमेशा रहेंगे उड़ान के लिए, कयामत के दिन बुरा बोझ होगा। 102
जिस दिन सूर में फोंका जाएगा और हम उस दिन मुजरमों को नीली आंखों वाले करके जमा कर देंगे। 103 चपके चपके आपस में बातें कहते होंगे कि तुम सिर्फ 10 दिन ठहरे हो। 104 हम खूब जान लेंगे जो कुछ हो कहेंगे जब उनमें से बड़ा समझदार कहेगा कि तुम सिर्फ एक ही दिन ठहरे हो। 105 और तब से पहाड़ों का हाल पूछते हैं, सो कर दे मेरा रब उन्हें बिल्कुल अड़ा देगा। 106 फिर जमीन को चटील मैदान करके छोड़ेगा। 107 तो उसमें कजी और टेला नहीं देखेगा। 108 उस दिन पकारने वाले का उतबा करेंगे, उसमें कोई कजी नहीं होगी और रहमान के डर से आवाजें दब जाएंगी, फिर तो पांव की आहट के सवा कुछ नहीं सुनेगा। 109 उस दिन सिफारिश काम नहीं आएगी मगर जिसे रहमान ने इजाजत दी और उसकी बात पसंद की। 110 वो जानता है जो कुछ उनके आगे और पीछे है और उनका इल्म से अहाता नहीं कर सकता। 111 और सब मुंह की वो क़यूम के सामने झक जाएंगे और तहकीक नामराद हवा जिसने जुल्म का बोझ उठाया। 112 और जो नेक काम करेगा और वो मोमिन भी हो तो इसे जुल्म और हक तलफी का कोई खौफ नहीं होगा। 113 और इसी तरह हमने इसे अरबी कुरान नाजल किया है और हमने उसमें तरह तरह से डराने की बातें सुनाई ताकि वो डरे या उनमें समझ पैदा कर दे। 114 सो अल्लाह बादशाह हकीकी बुलंद मर्तबे वाला है और तो कुरान के लेने में जल्दी न कर जब तक उसका उतरना पूरा न हो जाए और कहे मेरे रब मुझे और ज्यादा इल्म दे। 115 और हमने उससे पहले आदम से भी हद लिया था फिर वो भूल गए और हमने उसमें पुख्तगी न पाई। 116 और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो स्वाय अबलीस के सब ने सजदा किया, उसने इनकार किया। 117 फिर हमने कहा आदम बेशक ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है सो तुम्ही जन्नत से न निकलवा दे फिर तो तकलीफ में पड़ जाए। 118 बेशक तो उसमें भूखा और निंगा नहीं होगा। 119 और बेशक तो उसमें न प्यासा होगा और न तुझे धूप लगेगी। 120 फिर शैतान ने उसके दिल में ख्याल डाला, कहा आदम क्या मैं तुझे हमेशगी का दरख्त बताऊं और ऐसी बादशाही जिसमें जाफ न आए। 121 फिर दोनों ने उस दरख्त से खाया तब उन पर उनकी बरहंगी जाहिर हो गई और अपने ऊपर जन्नत के पते चपकाने लगे और आदम ने अपने रब की नाफरमानी की फिर भटक गया। 122 फिर उसके रब ने इसे सरफराज किया फिर उसकी तौबा कबूल की और राह दिखाई। 123 फरमाया तुम दोनों यहाँ से नकुल जाओ, तुम में से एक दूसरे का दुश्मन है, फिर अगर तुम ही मेरी तरफ से हदायत पहुँचे फिर जो मेरी हदायत पर चलेगा तो गमराह नहीं होगा और न तकलीफ उठाएगा। 124 और जो मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा तो उसकी जिंदगी भी तंग होगी और इसे क़यामत के दिन इंधा करके उठाएंगे। 125 कहेगा ये मेरे रब तो ने मुझे इंधा करके क्यों उठाया हालांकि मैं बिना था। 126 फरमाएगा इसी तरह तेरे पास हमारी आयतें पहुंची थी फिर तो ने उन्हें भुला दिया था और इसी तरह आज तो भी भुलाया गया है। 127 और इसी तरह हम बदला देंगे जो हद से निकला और अपने रब की आयतों पर ईमान नहीं लिया और अलबत्ता आखरत का आजाब बड़ा सख्त और देरपा है। 128 सो क्या उन्हें उस बात से भी समझ नहीं आई कि हमने उनसे पहले कई जमातें हलाक कर दी हैं, ये लोग उनकी जगहों पर फरते हैं, बेशक उसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। 129 और अगर तेरे रब की तरफ से एक बात पहले तय शुदा न होती और मुयाद मुन न होती तो आजाब लाजमी तौर पर होता। 130 बस सबर कर उस पर जो कहते हैं और सूरज के निकलने और डूबने से पहले अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह बयान कर और रात की कुछ घड़ियों में और दिन के अव्वल और आखिर में तस्बीह कर ताकि तुझे खुशी हासिल हो। 131 और तो अपनी नज़र उन चीजों की तरफ न दौड़ा जो हमने मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दुनियावी जिंदगी की रौनक के सामान दे रखे हैं ताकि हम उन्हें उसमें आजमाएं और तेरे रब का रस्ब बेहतर और देरपा है। 132 और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कर और खुद भी उस पर कायम रहे, हम तुझसे रोजी नहीं मांगते हम तुझे रोजी देते हैं और परहेजगारी का अंजाम अच्छा है। 133 और लोग कहते हैं कि ये हमारे पास अपने रब से कोई निशानी क्यों नहीं ले आता, क्या उनके पास पहली किताबों की शहादत नहीं पहुंची। 134 और अगर हम उन्हें उससे पहले किसी आजाब से हलाक कर देते तो कहते हैं हमारे रब तो ने हमारे पास कोई रसूल क्यों न भेजा ताकि हम जलील व ख्वार होने से पहले तेरे हुक्मों पर चलते। 135
कर दो, हर एक इंतजार करने वाला है, सो तुम भी इंतजार करो, आइंदा तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सीधी राह पर कौन है और हदायत पाने वाला कौन है।